हमने जिन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई की उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नैब ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे मुल्की मौईशत को नुकसान हो। शवाहिद से साबित करूंगा जो नैब काम कर रहा है वो दुरुस्त है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब के आला अफसरान से खिताब, इसी हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे हसन रजा से। हसन रजा बताइएगा मजीद क्या कहा गया। बिल्कुल, चेयरमैन नैब ने वादा किया कि जितने भी नैब और ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक किसी ग्रुप या ग्रोह या तबका हुकूमत और किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और हर ब्यूरोक्रेट को हमेशा कानून और मुल्क के मफाद में फैसले करने चाहिए। उन्होंने ये बिल्कुल वादा किया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ब्यूरोक्रेट के कानूनी इकदाम का तहफ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर ब्यूरोक्रेसी जो है कानून के मुताबिक काम करेगी तो उनको जो है कभी भी नैब में पेशा भुगतनी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वजारतों और डिवीजनों में अपना दारा जाती निज़ाम इतना अच्छा हो कि मामला जो है नैब तक ना पहुंचे। उन्होंने ये भी वादा किया कि जो भी इकदाम हैं वो कानून के दायरा और हुकूमती पॉलिसी को मद्दनजर रखते हुए किया जाए। उन्होंने कहा कि एक बड़ा ऐलान किया, उनका ये कहना था कि नैब किसी भी जो है सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत का जो अगर आती है तो मैं खुद जाती तौर पर जायजा लूंगा, इस तरह हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के खिलाफ शिकायत का भी जाती तौर पर खुद जायजा लूंगा और इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो सवालनामा भिजवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नैब स्टाफ सबके लिए पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए जो है ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन रजा आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।